जय हिंद दोस्तों, आज समझेंगे कोविड-19 के वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया क्या कर रही है। पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ इंतजार है कोविड-19 के वैक्सीन का। कब ये कोविड-19 का वैक्सीन आएगा और जितने भी संक्रमित लोग हैं या जो भी ठीक लोग हैं, जो जिनके जिनको संक्रमण नहीं हुआ है, वो लोग भी चाह रहे हैं कि कोविड-19 का वैक्सीन कब आए। कोविड-19 के वैक्सीन को विकसित करने के लिए एक वैश्विक दौर चल रहा है। हर देश चाह रहा है, हर लोग चाह रहे हैं, हर देश चाह रहा है कि कोविड-19 का वैक्सीन बनाया जाए। और इसमें बहुत सी कंपनियां विश्व के अंदर है जो अग्रणी होकर के काम कर रही है। पूरे विश्व में 1.5 करोड़ लोग इसके संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, 6,40,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और दिन प्रतिदिन इसकी जनसंख्या घट नहीं रही है, बढ़ते जा रही है। इसका पारा हाई होते जा रहा है, हर दिन कहीं ना कहीं हर एरिया से कुछ ना कुछ पॉजिटिव का रिजल्ट आ रहा है। आज इतने लोग संक्रमित हो गए, कल उतने लोग संक्रमित हो गए, यही पूरे विश्व में चल रहा है। अब बात करते हैं कि कोविड-19 वैक्सीन को एक टारगेट लेकर के बनाया जा रहा है। जनरली 8 से 15 साल एक वैक्सीन को बनाने में लगता है, लेकिन जो भी कंपनियां काम कर रही है कोविड-19 के ऊपर, वैक्सीन बनाने के ऊपर, वो एक टारगेट के रूप में काम कर रही है कि 12 से 18 महीने के अंदर इस कोविड-19 वैक्सीन का, इस कोविड-19 वैक्सीन को विकसित किया जाए और जितने भी संक्रमित लोग हैं, जितने भी संक्रमित लोग हैं, जो इससे परेशान लोग हैं, उन लोगों को वैक्सीन दे करके इस समस्या से निजात पाया जाए। अब बात करते हैं कि एक वैक्सीन को किस किस फेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। अब समझेंगे प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल में चूहे या बंदर के ऊपर इस वैक्सीन को दिया जाता है। इस वैक्सीन को देने के बाद इसका क्या असर हो रहा है उसको जांच किया जाता है। उसके बाद आगे भी और बढ़ते हैं, सेफ्टी ट्रायल। फर्स्ट फेज में 100 से 500 ह्यूमंस के ऊपर इस सब्जेक्ट का डोज दिया जाता है, इसकी मात्रा को दी जाती है और इसके सेफ्टी के बारे में जांच किया जाता है कि इस वैक्सीन का कितना डोज देने में ठीक रहेगा, इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। ज्यादा डोज देने से भी प्रॉब्लम है, कम डोज देने से भी प्रॉब्लम होता है। उसका जो भी क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल होने के बाद ये फिर सेकेंड फेज ट्रायल में जाते हैं। सेकेंड फेज ट्रायल में क्या होता है, 500 से 1000 सब्जेक्ट के ऊपर सेफ्टी का इम्यून रिस्पॉन्स देखा जाता है, इम्यून का रिस्पॉन्स कैसा है। उसके बाद अगर ये रिस्पॉन्स सही रहा, इसके जांच में अगर खरा उतरता है तो फिर आगे की ओर बढ़ा जाता है सेफ्टी ट्रायल। 10,000 से ज्यादा लोग पर इफेक्टिवनेस का जांच किया जाता है। अगर इफेक्टिवनेस सही है तो इसके बाद इसको अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। अब अप्रूवल में हर देश इसका ब्यौरा देखता है, इसका डाटा देखता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा प्री ट्रायल से लेकर के और फेज 4 तक का। एक पेपर तैयार किया जाता है एक सप्ताह, किससे कितना हुआ, किससे कितना निगेटिव रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसका एक डाटा तैयार किया जाता है। डाटा तैयार करने के बाद जो भी देश है वो डाटा को देखता है और डिसाइड करता है कि इस वैक्सीन को रिजेक्ट किया जाए या अप्रूवल देकर के इस वैक्सीन को आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बढ़ाया जाए। अब बात करेंगे कि इस कोविड-19 के वैक्सीन के लिए पूरे विश्व में कौन कौन सी कंपनियां आगे आकर के काम कर रही है। सबसे पहले आते हैं एक चाइना की कंपनी है कैनिस्को बायोलॉजिक्स। इसका कोविड-19 का वैक्सीन का नाम है AD5-NCoV। इस वैक्सीन का
प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, फर्स्ट फेज ट्रायल हो चुका है, सेकेंड फेज ट्रायल हो चुका है और थर्ड फेज ट्रायल के लिए रूस, ब्राजील, चिली, सऊदी अरब में थ्री फेज का ट्रायल होगा और 40,000 से ज्यादा लोगों पर इसको ट्रायल किया जाएगा और 2021 तक ये वैक्सीन की आने की संभावना बताया जा रहा है। उसके बाद आते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की एक कंपनी है, इसके वैक्सीन का नाम है AZD1222। इसका भी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, सॉरी प्री क्लिनिकल ट्रायल, फर्स्ट फेज ट्रायल और सेकेंड फेज ट्रायल हो चुका है। ये 4 करोड़ वैक्सीन बोल रहे हैं कि अक्टूबर तक हम उपलब्ध करा पाएंगे। उसके बाद आ रहा है सीने फार्मा ग्रुप वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये दोनों मिलकर के ये COVID-19 के वैक्सीन का विकास कर रहे हैं। इसका नाम है CNBG। CNBG इस COVID-19 का वैक्सीन का नाम है। इनका भी 3 प्री क्लिनिकल फर्स्ट फेज सेकेंड फेज ट्रायल हो चुका है और ये विदेश में ट्रायल के लिए अप्रूवल लेने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिनोवैक बायोटेक, ये भी चाइना की कंपनी है। इसका वैक्सीन का नाम है कोरोना VSC। ये भी 3 स्टेज ट्रायल हो चुका है और इसके बाद 3 स्टेज सभी प्री क्लिनिकल ट्रायल और सेकेंड स्टेज ट्रायल हो चुका है और थर्ड फेज ट्रायल के लिए ये ब्राजील और बांग्लादेश में ये 3 फेज का ट्रायल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है अमेरिकन कंपनी ऑफ मॉडर्ना, ये इनके वैक्सीन का नाम है mRNA-1273, अमेरिकन कंपनी है। इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल और फर्स्ट फेज ट्रायल हो चुका है, 27 जुलाई से ये थर्ड फेज ट्रायल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इंडिया के अंदर 2 कंपनियां काम कर रही है, एक भारत बायोटेक, एक जायका कैंडिला। भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है और जायका कैंडिला अहमदाबाद की कंपनी है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन नामक वैक्सीन बना रही है COVID-19 के लिए। ये इनका प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है और 2021 में उम्मीद किया जा रहा है कि ये वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे। उसके बाद आ रहा है जायका कैंडिला। जायका कैंडिला का वैक्सीन का नाम है ZYCoV-D। ये भारत की कंपनी है, ये दोनों भारत की कंपनी है और ये हैदराबाद की कंपनी है, एक अहमदाबाद की कंपनी है। जायका कैंडिला जो वैक्सीन बना रही है ZYCoV-D, इसका भी प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है और 2 फेज का ट्रायल ये शुरू करने वाले हैं। तो पूरे विश्व में दुनिया जितना जल्दी चाह रही है, पूरे विश्व के लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके COVID-19 वैक्सीन आए, COVID-19 का वैक्सीन आए और पूरे देश में जितने भी लोग संक्रमित है, पूरे विश्व में जितने भी लोग संक्रमित है उनको इस समस्या से निजात पाया जाए और जितने भी ये बेरोजगारी की समस्या आ गई है उस समस्या से भी इसका निजात पाया जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।